दोस्तों नार्जी जर्मन्स के पास से सबमरीन टेक्नोलॉजी को सोवियत रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लेने पर भी ये लोग सबमरीन को उसके असली मकसद के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके सबमरीन जर्मन यूबोट टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, जिसे कुछ कुछ समय के अंतराल में सतह पर आना पड़ता था ताकि इनके इंजिन जो कि डीजल से चलते थे जिन्हें पर्याप्त हवा मिलती रहे। लेकिन इसी दौरान ही ये हमेशा दुश्मन के फाइटर प्लेन्स का शिकार बन जा रहे थे। ऐसे में एक ऐसा तकनीक का जरूरत था जो सबमरीन को अनलिमिटेड एनर्जी प्रदान करने के साथ साथ और इंजिन के चलते हवा का जरूरत ना पड़े। इसे देखते हुए रशियन इंजीनियर्स इसका तोड़ निकाल देते हैं, जिसमें पूरे के पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को ही सबमरीन के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं इसी के साथ सबमरीन को मिलता है एक ऐसा ताकत जो अब कई साल नहीं बल्कि कई दशक तक समंदर के नीचे घात लगा के रह सकते थे। क्या आपको पता है सबमरीन के हर जगहों में, वो चाहे फ्रूट मिक्सचर हो या फिर मिसाइल पैड, सभी इक्विपमेंट के नीचे में रबर लगाया जाता है ताकि यह छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व कर सके।